सारे प्यार भरी सत श्रीकाल, मेरे चैनल मनदीप कुकिंग में स्वागत है। अज अस बना लगे हाँ टेस्टी अलग जे परौंठे, मतलब रात की बची हुई दाल के टेस्टी परौंठे बना लगे हाँ। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी आ, बनाना भी बहुत आसान। चलो थोनों दिखाते हैं। इसके लिए असी लिया गेहूं का आटा छान लिया, हम असी ये पाते हैं प्याज कटे हुए बारीक, तो हूँ पावे असी रात की बची हुई दाल। ये साड़ी दाल रात को बच गई सी, तो सोचा भी किस तरह यहाँ इस्तेमाल किया जाए। तो फिर असी सोचा कि चलो दाल ये परौंठे बनाए जा, इस करके असी यदा सवेरे नाश्ता बनाया। तो हूँ पाई असी हरी मिर्च, तो बहुत ही टेस्टी तो लाजवाब बने परौंठे। तुसी भी प्लीज़ जरूर ट्राई करो। हरी मिर्च पाने तो बाद हूँ पाया असी नमक एक चम्मच, जीरा एक चम्मच, ते अजवाइन अद्धा चम्मच। हूँ असी पाई है हल्दी की एक चुटकी, तो हूँ असी इन चंगी तरह मिक्स कर देवे। मिक्स कर दिते हैं। हूँ असी एक चम्मच देसी घी का पावे, ये ना बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। ये बहुत बढ़िया रल गया है, पर मसालेदार इस तरह ही चाहिए। हूँ असी इन गुन लवेंगे। दो जी असी गुणता आटे में दो तैयार है। हूँ असी इनू दो तो तीन मिनट लिए रेस्ट पर रख देवे ढक के। दो तीन मिनट बाद असी फिर चेक करांगे इन, तो हूँ असी इन एक मिनट लिए फिर मसलांगे। जी बिल्कुल तैयार है। हूँ असी परौंठा तैयार करेंगे। परौंठा असी तैयार कर लिया, बिल्कुल इस तरह ही चाहिए। तुसी होर बड़ा पेड़ा करके भी बड़ा परौंठा बना सकते हैं, ऑप्शन जिदा तुसी चाहते हो। हूँ असी तवे नूं रखता गैस ते गर्म होने लई, तवा साडा गर्म है। हूँ असी ऑयल लगा रहे हैं। हूँ पा देवांगे असी परौंठा। एक साइड सेकन तो बाद ही असी दूजी साइड पलटांगे। हूँ असी दूजी साइड पलट देवांगे। तो इस साइड में असी ऑयल लगावे। हम ऑयल होने तो बाद हम असी दूजी साइड पर भी लावे पलटन तो बाद। इसी तरह असी बाकी सारे परौंठे भी तैयार कर लवेंगे। तुहानू जे मेरी वीडियो चंगी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो में लाइक शेयर कमेंट ते मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करो।
ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਇਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।